जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। और कोशिश कर रहे हैं कि आज आपका और एक सेशन शुरू करें। आज थोड़ी सी दिक्कत हुई टेक्निकली, इसलिए लेट हो गए थे। मुझे बस एक बार तब तक ये बता दीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चन हुए हैं नहीं हुए हैं। मुझे लग रहा है शायद हमने ये क्वेश्चन किए हैं। कुरियर सर्विस कम्स अंडर विच सेक्टर? कुरियर सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कुरियर सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए जल्दी। तो आप जानते हैं कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपूर्ण नेचर का है जिस पर कोर्ट में हम जा सकते हैं? जल्दी बताएं। हम जानते हैं कि जस्टिसेबल नेचर का कौन सा है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट के लिए हम जा सकते हैं। यस। विच वन इज द नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? किस विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? लघु संविधान के रूप में किसे जाना जाता है? यह है 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। विच कॉलम इज कौन सा मैच कर रहा है? इसको थोड़ा सा तरीके से कर सकते हैं। इनमें कॉमन क्या है? सी ए बी, बी में ध्यान से बी, इसमें कॉमन क्या है? डी, इसमें कॉमन क्या है मेरे बच्चों? नहीं, यहाँ वो नियम लागू नहीं हो रहा है। हालांकि इसका आंसर है सी। इन विच बैटल सिराज दौला डिफीटेड? किस लड़ाई में क्लाइव ने सिराज उद्दौला को हरा दिया था? तो आप जानते हैं कि सिराज उद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के वार में हरा दिया था 1757 में। आल्प्स माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में है? तो आप जानते हैं कि आल्प्स जो है वो कहाँ पर है? यूरोप में। यस। ये मुझे लगता है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मुझे थोड़ी सी नॉलेज कम है, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे आप? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा? निम्नलिखित में से किस नदी को नर्मदा के दासी के रूप में जाना जाता है? माही, साबरमती, लूनी और ताप्ती। माही, साबरमती, नरलूनी और ताप्ती। इसका आंसर है मेरे बच्चों तापी डी। अगला क्वेश्चन है, द हेलमेट ऑफ विकेट कीपर हैज बीन केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड द बॉल दैट द बैट्समैन स्ट्राइक द हेलमेट, हाउ मेनी पेनाल्टी रन गिवन टू द बैटिंग टीम? विकेट कीपर के हेलमेट पर बल्लेबाज का गेंद टकरा जाता है तो बैटिंग टीम को कुल कितने रन दिए जाएंगे? 4, 2, 6, 5। जल्दी बताइए, क्रिकेट आप लोग देखते रहते हैं। सही आंसर क्या है इसका? इसका मेरे बच्चों सही आंसर हो जाएगा 5 रन, 5 रन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बिकम द इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत की सबसे लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है? सबसे लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है? भारत पेट्रोलियम, ONGC, NTPC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका आंसर है मेरे बच्चों ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यस, सबसे अधिक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी। द साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स सक्सेशन एंड देयर इंटरप्रिटेशन इन द टर्म ऑफ जनरल टाइम स्केल इज कॉल्ड? चट्टान के उत्तराधिकार के विवरण और सामान्य समय के पैमानों के संदर्भ में उनकी व्याख्या के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? इसका आंसर है मेरे बच्चों स्ट्रेटोग्राफी, स्ट्रेटोग्राफी। अगला है, मार्च 2019 में गोविंद राज के सर्वसम्मति से निम्नलिखित में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया था? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, टेबल टेनिस फेडरेशन, भारतीय खेल प्राधिकरण। दैट इज बास्केटबॉल का पासवर्ड नहीं मांगा लॉक हो गया, क्या आप अपना दे दो? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ सोल के जाओ, मैं ऑनलाइन दिख रहा हूँ तुम्हें ऐसे खोल के रहो, मुझे दिमाग खोलने का।
सही में फजल हो गया। कुछ क्या बोल रहे भेजा है मैंने आपको? ये तो हो गया बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला है वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। जल्दी, वेम्बनाड झील भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? केरल। आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। अगला अच्छा डाटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इज नोन एज। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डाटा एकत्र करने के लिए संग्रहित किए जाने वाले उपयोग डाटाबेस का नाम क्या है? रजिस्ट्री, रिकॉर्ड, कुकीज, कैश। जल्दी 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 बताएं। माइक्रोसॉफ्ट जो डाटाबेस एकत्र करता है उसे किस नाम से जानते हैं? जल्दी इसका इसका आंसर मेरे बच्चों, रजिस्ट्री। विच ईयर डिड द कन्वेंशन ऑफ वडगांव टेक प्लेस? वडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1779, 1789, 1769, 1799। बताइए वडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? जल्दी 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 जल्दी। इसका आंसर है 1779, 1779। नहीं, हमने जी अगला मार्केट स्ट्रक्चर विच इज डोमिनेटेड बाय ओनली सम स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स इज कॉल्ड? एक बाजार जिसमें कुछ कंपनियां होती हैं उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। जल्दी बताइए। इसमें कुछ कंपनियां हो उस मार्केट को हम क्या कहेंगे? अब मार्केट स्ट्रक्चर विच इज अब डोमिनेटेड बाय ओनली स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स इज कॉल्ड? तो ये हमने कल भी सीखा था, ओलिगोपोली कहते हैं इसे, अल्पाधिकार। इन 2019 इंट्रोड्यूस अ क्लॉज एज पर विच इफ वन इज अप्लाइंग फॉर अ वीजा दैट कंट्री वंस नीड टू फर्निश सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड फॉर देयर पास्ट 5 ईयर। वीजा के लिए किस देश ने सोशल मीडिया रिकॉर्ड को मांगा है पिछले 5 सालों के? यूएसए, जापान, फ्रांस, अमेरिका, यूके, ब्रिटेन। जल्दी जल्दी जल्दी, जापान, यूएसए, फ्रांस, यूके, बताइए। इसका मैं आंसर है मेरे बच्चों, यूएसए। अमेरिका ने डिमांड किया है कि हाँ हम आपसे पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लेंगे, आपका ठीक लगेगा तो हम आपको अलाउ करेंगे। इन मई 2019 हु वाज अपॉइंटेड एज द डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड
नेशन इंटायरली फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड पार्टनरशिप। मई 2019 में से जेंडर इक्वलिटी के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के उप कार्यकारी निदेशक और संसाधन प्रबंधन स्थिरता और भागीदारी के लिए महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी 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 जल्दी, अनिता भाटिया, अमृता फडणवीस, लक्ष्मीपुरी, सुधा मूर्ति। इसका आंसर है मेरे बच्चों अनिता भाटिया। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई टी सर्विस फेज, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी सी पी? आई टी सेक्टर के हिसाब से बी सी पी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा मेरे बच्चों? दैट इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर ऑफ चीफ ऑफ रिपब्लिक टीवी? रिपब्लिक टीवी के मालिक के रूप में या प्रमुख प्रबंधक निदेशक और संपादक कौन है? बरखा दत्त, पुण्य राय, राजदीप सरदेसाई, अर्णब गोस्वामी। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक और प्रबंध निदेशक कौन है? इसका आंसर है मेरे बच्चों अर्णब गोस्वामी। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज प्लेड इन बेल्ड्रम? निम्नलिखित में से कौन सा खेल बेल्ड्रम में खेला जाता है? साइकिलिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग। साइकिल चलाना, बाढ़ लगाना, बॉक्सिंग, कुश्ती। बेल्ड्रम किस खेल में यूज होता है? जल्दी, अब जानते हैं कि बेल्ड्रम का यूज हम किस में करते हैं? साइकिलिंग में करते हैं। यस, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज? क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? बच्चा बच्चा जानता है। यस, इस क्वेश्चन का जवाब दो आप। हर्षा बोगले, संजय मांजेकर, आशीष राय, नरोत्तम पुरी। जवाब नहीं आ रहा, जवाब धीरे धीरे आ रहा है, क्या वजह है? टफ है क्या क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का जवाब है मेरे बच्चों आशीष रे। वेयर इज द रोडोप्सिन ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल लोकेटेड इन द वुमेन बॉडी? जहां रोडोप्सिन, जिसे दृश्य बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में स्थित है। तो इसका आंसर है मेरे बच्चों आईज, रोडोप्सिन। आंसर सब दे रहे हैं लेकिन धीरे धीरे दे रहे हैं ना, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाइए बढ़ाइए। एक तो आज मेरा ये सॉफ्टवेयर कुछ काम नहीं कर रहा, धीरे धीरे पेज को लेके जाना पड़े, इसीलिए तो टाइम लग गया। कल वाले में पता नहीं क्या था, एक बार में क्लिक करने पे आ जाता था। किसी को आइडिया हो, तरीका पता हो तो मुझे बता देना है भाई। पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडल विनर ग्रेस ग्रीस घोड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ द विच स्टेट? पैरा ओलंपिक विजेता ग्रीस घोड़ा किस राज्य के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं?
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जल्दी 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 जल्दी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो दैट इज कर्नाटका, कर्नाटका इज द आंसर। द टर्म माइक्रो माइक्रो माइट्रोकांड्रिया वाज कॉइन्ड बाय, माइट्रोकांड्रिया सब किसके द्वारा दिया गया है? जे सोल, कार्ल वेंडेला, चार्ल्स लेवरन, एंटोनी वन लिवेनहॉक। बताओ माइटोकांड्रिया वर्ड किसने दिया है? स्पीड बढ़ाएं। जे सोल, कार्ल वेंडेला, चार्ल्स लेवरन, एंटोनी लिवेनहॉक। माइटोकांड्रिया वर्ड दिया है कार्ल वेंडेला ने। लोकसभा इलेक्टेड आफ्टर 2019, विच लोकसभा इज, 2019 में चुने गए लोकसभा कौन से नंबर के, 18वीं, 16वीं, 15वीं, 17वीं? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अब जानते हैं कि ये लोकसभा हमारी 17th लोकसभा है, 2024 तक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड द मैक्सिकन ऑर्डर मैक्सिका डेल एंगुलिया एटिका अवार्ड इन जून 2019? निम्नलिखित में से किसे जून 2019 में मैक्सिकन आर्डेन मैक्सिकाना डेल अगुइला एटिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल, स्मृति ईरानी। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर है प्रतिभा पाटिल। ओमान ऑथर जोका अलार्थी 2019 मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल? ओमान के लेखक जोका अलार्थी निम्नलिखित में से कुछ किस उपन्यास के लिए 2019 में मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता है? सेलेस्टियल बॉडीज, मिल्कमैन, द पाइन आइसलैंड, द ईयर्स। बताएं जल्दी। ये है सेलेस्टियल बॉडीज। विच इंपीरियल आर्मी डिड मराठा महाराणा प्रताप फाइट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी? हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना के साथ किया था? तो सबको पता ही होगा, मोहम्मद शाह हुमायूं, इब्राहिम लोधी, अकबर। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या है मेरे बच्चों, अकबर। तो पढ़ द रैंक ऑफ इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? अब तो वैसे भी ऑप्शन से खेल सकते हैं, तो ये दैट इज 130। बहुत ऑप्शन वाइज बहुत आसानी है। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल? निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया है? ग्रेस मरे, वन मैकार्थी, गुइडो वैन रोमुश, बेंडन एच। कोबोल किसने डिस्कवर किया है? तो आप जानते होंगे ग्रेस मरे होपर ने किया है। आयुष यू आर राइट। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट, सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाला राज्य कौन सा है? ओवरऑल तो दिल्ली है, लेकिन दिल्ली क्या है, यूटी है, स्टेट में कौन है? आप जानते होंगे नेशनल लेवल पे पॉपुलेशन डेंसिटी 382 हो गया,
इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य, जल्दी 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 जल्दी, नहीं ये है मेरे बच्चों बिहार। यस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कैरेक्टराइज बाय बेंडिंग कॉज्ड बाय सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स टिपिकली लाइट एंड डार्क सिलिकेट्स। चट्टान के निम्न विभिन्न प्रकार आमतौर पर हल्के और गहरे सिलिकेट होते हैं। एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो अलगाव के कारण बेंडिंग द्वारा विशेषते हैं, कौन सा होगा? बताइए मेरे दोस्तों। तो ये आप जानते हैं नीस, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम। यस मेरे बच्चे नीस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजिडेंस ऑफ मिलिट्री सर्विस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? बताओ डिफेंस में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? जब आपको लगे कि ये कवर कर हो चुका है और हमें स्टैटिक जीके करना चाहिए, ये तो मैं आज बेसिकली प्राइज टॉपिक लेके आया था पुरस्कार करने के लिए, लेकिन उसमें भी पेज में ऐसे ही हो रहा था ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो मुझे लगा कि यार नहीं है तो इस वजह से लेट हो गया। तो आप बोलेंगे तो मैं प्राइज टॉपिक ही करवा दूंगा। अब जानते हैं सभी लोग परमवीर चक्र। गुड। इंडिया लिफ्टेड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन मार्च 2019? कितनी बार जीता है भारत ने? 6 टाइम, 5 टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम। आंसर है मेरे बच्चों 5th टाइम। नहीं जब आज लगे कि सर अब ये हो गया और प्राइज वाला करवा दो तो वो करवा दूंगा। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग मध्यवर्ती सतह के लिए कितना पॉपुलेशन की आबादी होनी चाहिए? अब जानते हैं पंचायत 3 लेवल पे है, तो मिडियल के लिए कितना चाहिए, कितनी आबादी चाहिए? 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ये जानते हैं आप 20 लाख, 20 लाख। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉनेटरी प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। निम्नलिखित किसने ये थ्योरी दिया है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देता है? पैरेटो एफिशिएंसी, द मल्टीपल इफेक्ट, मार्शल लॉ, ग्रेशम लॉ। आप जानते होंगे कि ये लॉ किसने दिया है, ग्रेशम ने। विच स्टेट द ट्रेडिशनल फोक डांस गोटीपुआ बिलोंग? किस राज्य में गोटीपुआ नृत्य होता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़? बताएं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। इसका आंसर है मेरे बच्चों उड़ीसा। कोलेरू लेक विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है?
जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान भारत के सबसे बड़े ताजे पानी के जिलों में से एक जिले। आप जानते होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आंध्र प्रदेश। द पावर टू इंक्वायरी इन टू द डिसाइड ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट राइजिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न सभी विवादों को कहां सुलझाया जाएगा। तो आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा पद है तो इसका मामला भी कहां सुलझाया जाएगा। देश के सबसे बड़े कोर्ट में। देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट। यस। आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गॉइटर। गॉइटर या घेंगा रोग किस विटामिन की कमी से या किस खनिज पोषक तत्व की कमी से होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, बताओ आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आयोडीन। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज लार्जली By their use of। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को किसके उपयोग के द्वारा बड़े पैमाने पर डिफरेंट किया जाता है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर दैट इज ट्रांजिस्टर्स। इन द फेमस रोहिला वार In the year 1774, the Rohilla was defeated by the Nawab of Awadh। Rohilla युद्ध में रोहिला को किस अवध के नवाब ने पराजित किया था। आसिफ जाह मिर्जा, आसिफ उद्दौला, यामिन उद्दौला, शाहजहां उद्दौला, सुजा उद्दौला। तो मेरे बच्चों, इसका आंसर है सुजा उद्दौला। Which force helps swimmer float in water? कौन सा बल तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, बॉयंट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। आप जानते हैं कि इस तैराकों को सबसे ज्यादा फोर्स कौन, बॉयंट फोर्स, उत्प्लावक बल मदद करता है। Which is the new state bird of Andhra Pradesh declared by the state government in 2018? Andhra Pradesh ने किस पक्षी को अपना राज्य पक्षी घोषित किया है। जल्दी जल्दी जल्दी, राज्य पक्षी के रूप में किसे घोषित किया गया। तो आप जानते होंगे कि रोज रिंग पैरट। यस, गुड। On which river is Polavaram irrigation project begin being built? Polavaram सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। सन, तुंगभद्रा, गोदावरी, सोन नदी, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो आप जानते हैं कि पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पर। Which country won the 2019 सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टाइटल। किस देश ने 2019 का सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीता है। साउथ कोरिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द थर्ड सयाजी रत्न अवार्ड इन नवंबर 2018 व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मेमोरी ऑफ बड़ौदा रूरल सयाजी गायकवाड। किसे नवंबर 2018 में तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार सम्मान किया गया, जो तत्कालीन बड़ौदा शासक सयाजी राव गायकवाड़ के तृतीय स्मृति में स्थापित किए गए थे। मोहनलाल, शिवनदर, अमिताभ बच्चन, अजीम प्रेम जी।
ये है अमिताभ बच्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर चिनक कारी कढ़ाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? इंदौर, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ। इसका आंसर है मेरे बच्चों लखनऊ। गुड अटेम्प्ट, सभी लोग बढ़िया अटेम्प्ट ले रहे हैं, और अच्छे से कीजिए। थोड़े से और क्वेश्चन है। एज ऑफ मई 2019 विच प्लेयर हैज स्कोर द मोस्ट इंटरनेशनल रन इन द वर्ल्ड इन द ऑल थ्री फॉर्मेट, टेस्ट, ओडीआई एंड टी20। 2019 में सभी फॉर्म में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? मई 2019 तक रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ब्रैडमैन। इसका आंसर है मेरे बच्चों, साथियों, दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। चले नेक्स्ट है। हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फॉर द सेकेंड टर्म? हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल में किसे चुना गया? दूसरे कार्यकाल के रूप में किसे चुना गया? तो आप जानते होंगे कि जोको विडोडो को चुना गया। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे, मिलती है डेली क्लास के बाद, वहां से ले लेंगे। Which day has been proclaimed as the International Day for Biological Diversity (IDB) to increase understanding and awareness of the biodiversity issued by the United Nations? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 18 अक्टूबर, 10 नवंबर, 24 अप्रैल, 22 मई। बताइए किसे? इसका आंसर है मेरे बच्चों 22 मई, 22 मई को। मेरे भाई एक साल पुराना पेपर नहीं है, ऐसे मत कहो यार। ऑल फोर रिवर्स मेंशन बिलो आर रिवर्स ऑफ केरला, विच ऑफ दिस इज द साउदर्न मोस्ट रिवर ऑफ द स्टेट? नीचे उल्लिखित सभी चार नदियां केरल की नदियां, इनमें से कौन सी राज्य की सबसे दक्षिणी नदी? साउदर्न। बताइए, नेयार, पेरियार, कुप्पम, चेरियार, चलियार। साउदर्न रिवर इज द नेयार रिवर। आयुष चौहान कहाँ फंडामेंटल राइट में घूम रहे थे? द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर। जल्दी 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 जल्दी। राजकुमारी अमृता कौर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय छत्रपति शिवाजी इन बैटल ऑफ प्रतापगढ़? निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया था? अफजल खान, असगर खान, शाइस्ता खान, सुजा खान। ये था अफजल खान। अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ सिल्वर इन इंडिया? ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार सबसे ज्यादा चांदी का भंडार किस राज्य के पास है? आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या है मेरे बच्चों? राजस्थान। हु डिफेटेड इंडिया, सौरभ
यार इन फाइनल टू विन 2019 पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, किसने फाइनल में भारत के सौरभ कोठारी को हरा कर 2019 पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है? इसका आंसर है मेरे बच्चों पीटर गिलक्रिस्ट। एज जून 2019 हु फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन? यस, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप जानते होंगे 15वां वित्त आयोग 20 से 25 के लिए कार्य करेगा, तो इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है एनके सिंह। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाय द ग्रेट पोएट एंड ड्रामिस्ट महाकवि कालिदास? निम्नलिखित में से कौन सा महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया? शकुंतला, ऋतु संहार, मालती माधव, मालविका अग्निमित्र। तो जानते हैं मालती माधव तुलसीदास ने नहीं लिखा है, सॉरी तुलसीदास कह रहा हूँ, कालिदास ने नहीं लिखा है। Who among the following was the first Indian cricketer to hit a century in very first season of the Test match? Test match के पहले सत्र में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? इसका आंसर है मेरे बच्चों शिखर धवन। In May 2019, which of the following organization was banned by the government of India? मई 2019 में भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था? जमात उल मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, अलबद्र, दिंदा देवेंद्र अंजुमन। इसका आंसर है मेरे बच्चों जमात उल मुजाहिदीन। Who among the following pioneered binary logical and arithmetic computer programming? Computer programming निम्नलिखित अग्रणी binary logic और अंकगणित में कौन है? नोआम चमस्की, लैम्पर्ड, जॉन वेकस, क्लाउड सेनन। जल्दी 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 बताइए कौन है? ये है क्लाउड सेनन। Which of the following is not a water बर्न डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? आप जानते हैं कि वाटर मम्प्स जो है वो वाटर डिजीज नहीं है। इन मई 2019 हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द ओनली वन माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट समिट ऑन माउंट एवरेस्ट? 2019 में किस माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक शिखर सम्मेलन का रिकॉर्ड करने रखने वाले दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही कौन है? तो मेरे दोस्तों साथियों ये हैं अमेरिता शेरपो। विच माउंटेनियर आर इंडियन ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ म्यांमार? अच्छा, विच माउंटेन्स आर इंडियन ईस्टर्न बाउंड्री विथ म्यांमार? म्यांमार के साथ पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो आप जानते हैं म्यांमार के साथ पर्वत श्रृंखला कौन सा है, दैट इज कराकोरम। यस, हम आपका एक एक मिनट यहाँ पे यूज करेंगे, कोशिश करेंगे कि ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने ला सके। वेयर वाज द सेकेंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया फोरम हेल्ड फ्रॉम द 23rd to 26th 2019? 26 में मास मीडिया का फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है मेरे बच्चों किर्गिस्तान। हु वाज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माय वे? आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे का लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, महेश भूपति, कपिल देव, लिंडर पेस।
प्लेइंग इट माय वे, दैट इज सचिन तेंदुलकर। कह रहे हैं लास्ट वाले का क्वेश्चन गलत है, ऐसा बता रहे हैं। कौन से का मेरे भाई? चेक करना है, एक बार चेक करना फिर मुझे बताना। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। बताओ जल्दी से। इसका आंसर है मेरे बच्चों माइक्रो कंप्यूटर। एक एक मिनट आपने बहुत अच्छे से करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट डिफाइन एज अ प्रोपोर्शनल ऑफ हाईली लिक्विड एसेट हेल्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर देयर ऑन गोइंग एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। यस, बैंक जो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अपने पास पैसे रखते हैं उसको क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा कहलाता है मेरे बच्चों लिक्विड कवरेज रेशियो। व्हाट इज द इंडिया रैंक अमंग द 180 कंट्रीज? इंडिया रैंक 180 कंट्रीज ऑन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 अकॉर्डिंग टू द मैनुअल रिपोर्ट बाय एलए एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी अलोंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यस, वैश्विक पर्यावरण सूचकांक में भारत का 180 देशों में कौन सा पोजीशन? 157, 177, 147, 167। तो इसका है पोजीशन है मेरे बच्चों 177, 177। बहुत ही बुरा है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब का इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब का यूनिट क्या है? तो आप जानते होंगे दाब का यूनिट इज द पास्कल। तो ये तो हो गया मेरे बच्चे जो क्वेश्चंस थे आज वाले। अब थोड़ा सा एक स्टैटिक जीके का 10 क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, यदि आप लोग का परमिशन हो तो स्टैटिक जीके का हम करके देखते हैं। बोलिए परमिशन है क्या मेरे साथियों, मेरे दोस्तों? परमिशन हो तो एक बार बताइए। बोलें जल्दी। सभी लोग कह रहे हैं कि यस कर दिया जाए। एक टॉपिक है प्राइस, उसी को शुरू कर देते। चलें फिर इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके सेशन से काफ़ी फायदा होता होगा और एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो आइए स्टैटिक जीके का देखते हैं। स्टैटिक जीके का डे वन का शुरू करते हैं आपके साथ। बिल्कुल ये आसान से क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट एक्टर टू गिव द ऑस्कर? ये उस दिन किया था हमने और इसका आंसर था मेरे बच्चों जेनेट गेनर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच कंट्री अवार्ड द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज देने वाला कौन सा देश है? जानते हैं कि नोबेल प्राइज देने वाला देश कौन सा है? स्वीडन। स्वीडन के द्वारा नोबेल प्राइज दिया जाता है। 2010 में, 2010 में शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? 2010 में शांति का नोबेल प्राइज लियू शियाओबे को दिया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया? तो हमने बताया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यहां तक शायद हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे का आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। हरिओम ट्रस्ट किस फील्ड के लिए प्राइज देता है? आप जानते हैं हरिओम ट्रस्ट देता है लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। नोबेल पुरस्कार प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? तो हम जानते हैं कि दैट वाज रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज सम्मान अवार्ड किसने प्रदेश किया? दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश ने। मानव सेवा स्मृति पुरस्कार किसके स्मृति में स्थापित किया गया है? दैट इज राजीव गांधी। दो हजार तीन में नोबेल प्राइज इन पीस जीतने वाले शिरीन एबादी किस देश से? 2003 के, तो ये है ईरान की। साहित्य का नोबेल कब स्थापित किया गया? तो आप जानते हैं कि सारे नोबेल एक साथ ही शुरू किए गए 1901, बस इकोनॉमिक्स बाद में लेके आए 1967। साहित्य का नोबेल जीतने वाला पहला व्यक्ति हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लिटरेचर नोबेल? रेने सुली प्रुद्धोमे। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आर गिवन टू हु इज फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? द इंस्टीट्यूशन विद द प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर इज किस फील्ड से रिलेटेड है? CSIR से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस व्हाट इज अ ध्रुव? ध्रुव क्या है? तो एडवांस लाइटेड हेलीकॉप्टर, हल्के वजन का हेलीकॉप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वन द बुकर प्राइज ट्वाइस? निम्नलिखित में से किस लेखक को दो बार बुकर का प्राइज मिला हुआ है? तो ये है मेरे बच्चों जेम कोट दीजिए। वेयर वाज द पंसिल ऑफ रेगुलेटेड? पंसिल सिद्धांत कहां विनियमित किया गया था? आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में दिया गया था और ये बांडांग में दिया गया था। अर्जुन अवार्ड वायर वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? अर्जुन अवार्ड हमने 1961 में शुरू किया था, 1961 में। विच स्टेट गिव द मेवार अवार्ड? मेवार अवार्ड किस राज्य ने दिया? दैट इज राजस्थान। नाम से क्लियर है, मेवार अवार्ड राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ह्यूमन राइट अवार्ड? मानव ह्यूमन राइट अवार्ड सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था? तो ये मिला था मेरे बच्चों निन्सल मंडेला को। यदि आप एसएससी के पेपर उठा के देखेंगे तो आजकल इस तरीके के क्वेश्चन खूब रह रहे हैं। द जर्नलिस्ट हू रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द पद्म भूषण वाज? वो पत्रकार जिसने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया, दैट इज अरुण शौरी। Who was awarded the Rajiv Gandhi National Sadhana Award?
राजीव गांधी राष्ट्रीय साधना पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला पहला राजीव गांधी साधना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका है मदर टेरेसा को। वो इज द हाइएस्ट ग्लेंट्री अवार्ड इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अभी हमने देखा था, दैट इज परमवीर चक्र, लास्ट वाले में भी था। देखो इस बार का क्वेश्चन है ओसीजीएल का, जो मिल गया है उसे में। देखो आएगा यहीं से, जो अवार्ड वाला जो मैं करवा रहा हूँ लगभग यहीं से आ जाएगा, कुछ 100 के आसपास ये क्वेश्चन है, सारे डायमेंशन, पहला प्रजेंट इस तरीके से। हु वाज कन्फर्ड द भारत की सुपुत्री इन 1992, भारत की सुपुत्री को उपाधि किसे प्रदान की गई 1992 में? तो हम 92 में कौन जिंदा है? दैट इज मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को दी गई। वैसे कि लता मंगेशकर भी जिंदा है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने फील्ड में दिया जाता है? तो हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? सॉरी, गैर भारतीय, नॉन इंडियन। ये है खान अब्दुल गफार खान। अब तक दो विदेशियों को दिया गया, खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला। तो पहले है खान अब्दुल गफार खान। चमेली देवी पुरस्कार उत्कृष्ट महिला को दिया जाता है, गिवन आउटस्टैंडिंग वुमेन हु इज अ, इसका आंसर है मेरे बच्चों जर्नलिस्ट, पत्रकार। द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड इन विच सिटी? नोबेल पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया गया अरे है? इसका है मेरे बच्चों ओस्लो। अरे हु अमंग द फॉलोइंग वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? उन्होंने किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दैट इज सैमुअल बेकेट। तानसेन सम्मान हैज बीन इनिशिएटेड बाय विच स्टेट? तानसेन पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तानसेन कहाँ के थे? एमपी के, तो वहीं से दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन 7 ऑस्कर अवार्ड इन 1991? तो 1991 में किस फिल्म ने 7 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? दैट वाज द डांस विद वोल्व्स। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज? साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। हु अमंग द फॉलोइंग नोबेल प्राइज विनर वाज नॉट एन इंडियन सिटीजनशिप? निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय नागरिक नहीं? यह है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हालांकि मदर टेरेसा भी नहीं थी, लेकिन उनको बाद में भारतीय नागरिकता दे दी गई। द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला अश्वेत अमेरिकी कौन है? ब्लैक अमेरिकी, दैट इज टोनी मॉरिसन। When did Amnesty International win the Nobel Prize? Amnesty International ने नोबेल पुरस्कार कब जीता था? That in 1977, 1977 में। Which one of the following is a spacecraft? निम्नलिखित में से कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? That is कैसिनी। Which of the फॉलोइंग लोकेटेड इन द इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट बींग बिल्ट? किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रौद्योगिक रिएक्टर परियोजना बनाई जा रही है? दैट इज साउदर्न फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस में। गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2000 वाज अवार्डेड फॉर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका अलोंग विथ, इट इज ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश।
रमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम से दिया जाता है? तो आप जानते हैं फिलीपींस। रमन मैग्सेसे अवार्ड को हम एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला विजेता कौन है? विश्वनाथन आनंद। अच्छा एक बार ध्यान रखना, यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, दैट इज सी। हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड फॉर द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन? सर्वश्रेष्ठ संसद के लिए गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दैट इज इंद्रजीत गुप्ता। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन फॉर द सीके नायडू अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन इंडियन क्रिकेट? केसी पंत के लिए चुना गया भारतीय आजीवन योगदान के लिए, दैट इज लाला अमरनाथ। बीसी अवार्ड इज गिवन इन फील्ड ऑफ, बीसी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? बीसी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो दैट इज जर्नलिज्म, पत्रकारिता। तो मेरे बच्चों अभी के लिए सेशन को यहीं रोकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से आपको कुछ फायदा हुआ होगा और आप कुछ सीख पाए होंगे, आपके एक एक मिनट की हमने वैल्यू की होगी। बाकी आपका और कोई डिमांड हो, कोई ज़रूरत हो टॉपिक में जिससे कि आप CGL 19 में आपको हेल्प मिल सके, तो आप वो डिमांड हमें रख सकते हैं। अभी हम स्टैटिक GK का ही सेक्शन आपके साथ कंटिन्यू करेंगे अगले जितने दिन का है, उसके जस्ट कुछ दिन बाद हम एक आध दिन करेंट का भी कर लेंगे। और कोई आप लोग के डिमांड सजेशन हो तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं। तो मेरे बच्चों अभी के लिए हम यहीं पे सेशन को ख़त्म करेंगे और फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।